हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और दिसंबर 11, 1994 को एक शख्स जूते पहने हाथ में टॉयलेटरी बैग थामे टॉयलेट जाता है, जिसके चार घंटे बाद प्लेन में ऐसा धमाका होता है कि पूरा प्लेन ही एक्सप्लोजन के चपेट में आ जाता है। अब आई नो आपको लगा होगा कि सिंपली बैग में एक्सप्लोजिव्स होगा, बट ना, बैग में तो बस शेविंग क्रीम था। तो ये एक्सप्लोजन आखिर हुआ कैसे? Was it planned? And if it was, तो क्या था उस बॉम्ब ब्लास्ट का मकसद? Well, इस विषय में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इतने मेजर ब्लास्ट के बाद भी, प्लेन की हालत ऐसे होने के बाद भी, ये पूरा प्लेन नीचे सही सलामत उतरा और सारे पैसेंजर्स बच भी गए। How this miracle is even possible? And now for the biggest spoiler, did you know कि ये पूरा ब्लास्ट रोका जा सकता था, बस अगर सिर्फ एक लड़की ने लापरवाही नहीं दिखाई। Well friends, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, so बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन इस केस को अच्छे से समझने के लिए इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड इम्पॉसिबल लैंडिंग आफ्टर बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनसाइड फिलिपीन एयरलाइंस फ्लाइट 434। अब इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर आए, आओ पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वो बॉम्ब को जिस प्लेन में सेट किया गया था, उस प्लेन का रूट क्या था और आखिर किसने सेट किया था उस बॉम्ब को उस प्लेन में। Well, इस प्लेन का नाम था फिलिपीन एयरलाइंस फ्लाइट 434, जिसे ऐसे कई सारे नाम से बुलाया जाता था, जैसे पैल 434, पीआर 434 या फ्लाइट 434 ऑन स्क्रीन। ये एक 15 साल पुराना प्लेन था जिसने अपनी उड़ान निनॉय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउ मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ली थी और वो जा रहा था टू न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउ कॉल्ड एज नरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान। और इस सब के बीच ये प्लेन मैक्टन सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सेबू में है, में एक स्टॉप लेने वाला था। अब सेबू ये वही जगह है जहां से आतंकवादी बॉम्ब लगाकर फरार हो गए थे। अब स्टोरी काफी दिलचस्प है, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस हमले का आतंकवादी रामसी यूसुफ की हिस्ट्री क्या है और उसकी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी भी। रामसी यूसुफ का जन्म इराक में हुआ था या कुवैत में हुआ था या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, ये आज तक एक पहेली है। बट फॉर्चुनेटली इस बात की पहेली सुलझती भी नजर आई जब ये पता चला कि यूसुफ के पेरेंट्स पाकिस्तान के थे, जहां उसके फादर का नाम मोहम्मद अब्दुल करीम था, हु वाज फ्रॉम बलूचिस्तान। एंड खबरों के मुताबिक माना जाता है कि यूसुफ के मॉम खालिद शेख मोहम्मद की बहन है। अब ये शेख मोहम्मद वही शख्स है जो ओसामा बिन लादेन के अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपोगंडा ऑपरेशंस को लीड कर रहा था। सो यू गेट एन आइडिया। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, 11 दिसंबर 1994 को यूसुफ ने फिलिपीन एयरलाइंस फ्लाइट 434 फ्रॉम मनीला टू टोक्यो वाले इस प्लेन में अपने कदम रखे। बट नाना, यूसुफ बन के नहीं बल्कि फोर्जिंग करके। उसने अपना फेक पासपोर्ट और फेक आइडेंटिटी बनाया। His identity for the flight was that of an Italian man named Arnaldo Forlani। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यूसुफ की फिलिपीन या जापान से क्या दुश्मनी थी कि वो इस हद तक जा पहुंचा, या फिर इस सब के पीछे उसका कोई पर्सनल एजेंडा था। बिकॉज गेंगिस खान, जिसे दुनिया का सबसे क्रूएल खान माना जाता है, उसने अपने पिता की हत्या, खुद के काबिले के लोगों का शोषण और अपनी बीवी को अगवा होते हुए देखा था, और इस सब के बाद वो एक ऐसा क्रूर राजा बना जिसने अपने पूरे लाइफ में 40 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत की जिम्मेदारी ली। अभी अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ये एंगर ही तो है जिसकी वजह से हम लाइफ में कई सारे डिसीजंस गलत ले लेते हैं, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार ह्यूमंस एंगर के समय में बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो जाते हैं और रैश डिसीजन मेकिंग के चक्कर में वो उसके डिसीजन का आउटकम क्या आएगा ये सोचे बिना ही डिसीजन ले लेते हैं। अब ये चीज ना हो इसके लिए आप कुकू FM ऐप को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको सेल्फ हेल्प के लिए काफी सारी ऑडियो बुक्स जैसे कि चाणक्य नीति, आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ गेंगिस खान जैसे बुक्स मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 4.5 रेटिंग और 1000 प्लस आवर्स ऑफ ऑडियो बुक लाइब्रेरी कंटेंट वाले इस ऐप पर आपको बायोग्राफी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप ऐसे कई डिफरेंट जॉनरा के ऑडियो बुक्स मिलेंगे जो हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये सब आपको 50% डिस्काउंट यानी कि सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। आपको बस डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करना है या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करो और फर्स्ट 250 यूजर्स को 199 रुपीज ओनली में ये मिलेगा। So download this app and start investing in yourself. Now back to Ramzi Yusuf. And उसी फेक आइडेंटिटी के साथ उसने सक्सेसफुली चेक इन कर लिया। And the plane departed from Manila at 5:35 AM. अब डिपार्चर के बाद जैसे ही प्लेन एयरबोर्न यानी कि हवा में सेटल हो गई, यूसुफ अपनी टॉयलेटरी बैग लिए टॉयलेट की ओर चल पड़ा। टॉयलेट जाते ही उसने अपने जूते और टॉयलेटरी बैग निकाली और बैठ गया टॉयलेट पर। वो करने नहीं जो आप सोच रहे हो, बल्कि वो करने जो उस फ्लाइट में बैठा कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था।
यूसुफ ने अपने जूते के हील्स में छुपी हुई बैटरीज, वायरिंग और एक स्पार्क सोर्स निकाली और फिर उसने अपना टॉयलेटरी बैग निकाला जिसके अंदर था शेविंग क्रीम। लेकिन शेविंग क्रीम के बॉक्स में शेविंग क्रीम नहीं बल्कि लिक्विड एक्सप्लोजिव्स थे। अब इन सबको उसने प्रॉपरली सेट किया और फिर उसके बाद यूसुफ ने अपने मॉडिफाइड कैशियो डिजिटल वॉच से टाइमर सेट किया और बॉम्ब को एक्टिवेट करके 4 घंटे का टाइमर लगा के सेट कर दिया। 4 घंटे बाद का टाइमर इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि 4 घंटे बाद टोक्यो शहर आएगा और एग्जैक्टली यहीं पे यूसुफ को अपने प्लान को अंजाम देना था। अब टोक्यो आने के पहले ही ऑब्वियसली यूसुफ को सीबू में फ्लाइट को डीबोर्ड करना था। सो बस इसी सोच के साथ वो बॉम्ब के साथ अपने सीट पर वापस आ गया और आते ही यूसुफ ने अपने फ्लाइट अटेंडेंट से रिक्वेस्ट की टू मूव टू द विंडो सीट 26K ताकि वो खिड़की के बाहर नजारे देख सके। अब जो कि 26K वेकेंट थी तो फ्लाइट अटेंडेंट ने भी अलाउ कर दिया, पर हियर इज द ट्विस्ट, 26K पर जाने का मकसद खिड़की के बाहर का बेटर व्यू देखना नहीं था बल्कि उस सीट के लाइफ वेस्ट के पाउच में बॉम्ब को सेट करने का था। अब पूरे प्लेन में क्यों सिर्फ वही सीट से ये काम करना था, क्या ये सोच रहे हो आप? वेल, इस बात का खुलासा मैं बस आने वाले 1 ही मिनट में करूंगा। सो प्लान को फुल सेट करके यूसुफ ने बीच रास्ते यानी कि सेबू में ही कल्टी मार ली। जी हाँ, उसने और 24 और पैसेंजर्स ने सेबू में डीबोर्ड कर लिया और वहीं पर न्यू 273 पैसेंजर्स ने ऑन बोर्ड किया। मोस्टली ये सभी पैसेंजर्स जापानीज थे हु वर कोवर्कर्स ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ अ टूर ग्रुप। लेकिन इन सभी पैसेंजर्स में से एक था 24 साल का हरुकी इकेगामी, अ जापानीज इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन मेकर जो अपने सेबू के बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा था। ये नाम इसीलिए बताना आपको जरूरी था क्योंकि ये वो दुर्भागी शख्स था जो सीट 26K को ऑक्यूपाई करने वाला था। नाउ जब ये सारा डीबोर्डिंग बोर्डिंग का प्रोसेस चालू था तब आया कहानी में एक और एक नया ट्विस्ट। इस पूरे प्रोसेस में वक्त लग गया एंड द फ्लाइट गॉट डिलेड। द फ्लाइट वाज डिलेड बाय 38 मिनट्स एंड पैल 434 वाज क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ एट 8:38 AM। अब इसका मतलब जानते हो, मतलब अब बॉम्ब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही फटने वाला था। So at 11:43 AM, about an hour and a half from Tokyo, beach रास्ते में boom, the bomb exploded. और इस explosion से सबसे पहले तो उस bomb के सबसे करीब बैठने वाले passenger Haruki Ikegami के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस 24 साल के नौजवान की निचली body पूरी तरह से नष्ट हो गई और half में कट गई और साथ ही में उस सीट के आसपास वाले 10 passengers भी injured हो गए, जिनमें से एक passenger को urgent medical care की जरूरत पड़ी। लेकिन ये सारा ह्यूमन लॉस के अलावा उस ब्लास्ट ने प्लेन के कैबिन फ्लोर पर 2 square foot का एक बड़ा होल बना दिया। That was how major the blast was. अब बात करते हैं कि इस बॉम्ब को सीट 26K पर ही क्यों रखा गया था। Well, वो इसीलिए क्योंकि उस सीट के अराउंड जहां देखो मोस्टली पूरे प्लेन्स के वायर्स उस एरिया से लिंक्ड थे। मतलब बेसिकली इस पूरे प्लेन के सारे मेजर कैबिन्स इसी 26K सीट की सीलिंग पे थे, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन ने प्लेन के मेजॉरिटी कंट्रोल केबल्स को जला दिया था। और बस इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे केबल्स भी थे वहां पर जो डायरेक्टली प्लेन को कंट्रोल कर रहे कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर के स्टीयरिंग कंट्रोल से भी कनेक्टेड थे, यानी कि वो केबल्स भी डैमेज्ड, मतलब कि प्लेन का कंट्रोल हट चुका था। लेकिन एक बात बहुत ही मिराकुलस है इन सब के बीच, जो एक बात अच्छी हुई वो बस ये थी कि बॉम्ब फटने पर मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजिव्स एंड उस एक्सप्लोजिव्स का काफी सारा फोर्स हरुकी इकेगामी के बॉडी ने झेल लिया था, which proved to be very crucial in the entire situation. क्योंकि if ऐसा नहीं होता तो शायद explosives का इतना force बनता कि वो पूरे प्लेन पर इतना गहरा होल बना लेता कि C-26K के नीचे जो फ्यूल टैंक था वहां तक इन explosives का इम्पैक्ट पहुंच जाता, और अगर ऐसा गलती से भी होता तो कुछ ही सेकेंड्स में पूरा प्लेन एक्सप्लोर हो जाता। बट इस सिचुएशन में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इकेगामी की लोअर बॉडी प्लेन के कार्गो के होल में जा अटकी, जिसकी वजह से कैप्टन को अच्छा खासा वक्त मिल गया टू होल्ड द सिचुएशन एंड टू मेक अ करेक्ट डिसीजन। वेल फ्रेंड्स, अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि स्टोरी का हीरो इकेगामी था, बट आपको ये बता दो कि वो इकलौता हीरो नहीं था। इस पूरे सिचुएशन का एक और एक मेजर हीरो था इस प्लेन का कैप्टन। कैप्टन का नाम था एडवार्डो रीस, who was a 58-year-old veteran pilot. वो Philippine Airlines में 1964 से थे और उस प्लेन के सफर में उनका साथ दे रहे थे 46-year-old first officer Jamie Herrera, who was also a veteran pilot, and finally 34-year-old flight engineer Dexter Commendador. इन तीनों ने मिलकर ही इस impossible landing after the bomb explosion inside Philippine Airlines flight 434 को possible करके दिखाया।
Actually, instantly after the explosion, Captain Reese ने systems engineer Dexter Commendador को survey करने बोल दिया था. Regarding the blast site to check for damage, अब जब तक वो सब चल रहा था, तब तक उन्होंने पास के ही Okinawa Island के Naha Airport पर emergency landing की request रखना शुरू कर दिया. पर, here also came a major issue. दरअसल, the Japanese air traffic controller experienced difficulty in trying to understand Ree's request और वो landing की इजाजत नहीं दे रहे थे. यानि कि landing cancel, तो mission cancel. But, शायद नहीं. अब वो तो नसीब मानो या कहो प्लेन में बैठे 273 प्लस पैसेंजर्स की दुआ थी कि Okinawa में एक US मिलिट्री बेस भी था जिसके अमेरिकन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने फॉर्चुनेटली रीस की बात को सुन लिया एंड फाइनली दे प्रोसेस्ड देयर लैंडिंग. इन फैक्ट सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने खुद से अपना USAF लियर जेट भेजा टुवर्ड्स द प्लेन इन एयर इटसेल्फ टू बेसिकली विजुअली चेक फॉर डैमेजेस टू द प्लेन एंड टू वेरीफाई दैट द लैंडिंग गियर वाज इन प्लेस. और तब पता चला था कि प्लेन का एक अहम हिस्सा ऑटो पायलट मोडिक ने काम करना बंद कर दिया था और उसी की वजह से एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया था कि इट फ्लू पास्ट Okinawa. इनफैक्ट रीस को भी इसी बात का डर था कि इस ऑटो पायलट के फेलियर की वजह से द एयरक्राफ्ट वुड बैंक राइट अगेन एंड द क्रू वुड लूज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट. बट ये सब जानते हुए भी रीस ने वो रिस्क लिया एंड ही इंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफिसर जेमी हरेरा टू टेक होल्ड ऑफ हिज ओन कंट्रोल्स जिसके बाद उन्होंने ऑटो पायलट मोड को डीएक्टिवेट करने का रिस्क लिया और ना इससे प्लेन बैंक तो नहीं हुई बट स्टीयरिंग व्हील्स भी बॉम्ब के वजह से अपना कंट्रोल खो चुका था तो उससे भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था. क्रू मेंबर्स ने फिर एलेरॉन्स को यूज किया जो बेसिकली एयरप्लेन्स का ये वाला हिस्सा होता है टू अलाउ द एयरक्राफ्ट टू रोल पर इससे भी दे वर स्टिल अनेबल टू चेंज द प्लेन्स डायरेक्शन एंड एट लास्ट आफ्टर थिंकिंग थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोल द क्रू सेटल्ड ऑन यूजिंग एसिमेट्रिक थ्रस्ट टू कंट्रोल द जेट. यस प्लेन आ गया कंट्रोल में बट ठीक 11:45 AM को लैंडिंग स्थान पर इस प्लेन ने काबिल कैप्टन होने की वजह से ऐसे गंभीर सिचुएशन में भी लैंड करके दिखाया. सारे पैसेंजर्स को फटाफट डीबोर्ड कर दिया गया और उसके एक घंटे बाद 12:45 PM को नून को प्लेन एक्सप्लोड हो गया बट तब तक सभी पैसेंजर्स सेफली डीबोर्ड हो चुके थे. सो बेसिकली इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन रीस और पैसेंजर इकेगामी की वजह से 272 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स की जान बच पाई विच वॉज इन इट सेल्फ अ बिग मिरेकल. तो ये थी कहानी फिलीपीन एयरलाइंस फ्लाइट 434 की बट डिड यू नो ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट था. असल मकसद तो था ऑपरेशन बोचिंग का जो बेसिकली एक दूसरे प्लेन को बॉम्ब करना था. ये था उस टेररिस्ट का रियल मकसद. ऑपरेशन बोचिंग का तीन स्टेजेस में एनविजन किया गया था. नंबर वन पोप जॉन पॉल टू जो कि हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड सोवरेन ऑफ द वैटिकन सिटी स्टेट थे उनका फिलीपीन विजिट के दौरान सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक में असैसिनेशन. नंबर टू इस अटैक स्टेज में 5 ऑपरेटिव्स शामिल होने वाले थे जिसमें 2 तो खुद योसेफ और शाह थे जो 21 से 22 जनवरी 1995 के बीच में ट्रांस पैसिफिक और साउथ चाइना सी रूट्स पे फ्लाई करने वाले 11 US एयरलाइनर्स पर आईडी लगाने वाले थे. इन्वेस्टिगेटर्स ये कहते हैं कि अगर ये अटैक सक्सेसफुल होता तो करीबन 4,000 लोगों की मौत होती और इसके अलावा पैसिफिक रूट चूज करने का मोटिव ये था कि फ्लाइट डिब्रीज भी नहीं मिलते और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल सस्पेंड हो जाता. नंबर 3 प्लान के तीसरे पार्ट में सेसना जैसे स्मॉल लाइट एयरक्राफ्ट में एक्सप्लोजिव भरकर उस एयरक्राफ्ट को वर्जीनिया US में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स पर क्रैश करना था लेकिन स्टेज 2 की ही प्लानिंग के दौरान ये पूरा प्लॉट पकड़ा गया और वो दिन था January 6, 1995 की इवनिंग का जब मनीला के डोना जोसेफा अपार्टमेंट्स में आग लगने से इन्वेस्टिगेटर को इस प्लॉट के बारे में पता चला. इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स और लैपटॉप बरामद हुए जिससे प्लॉट की सारी प्लानिंग के बारे में पता चला. बट डू यू नो व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट एंड द बिगेस्ट ट्विस्ट कि ये पूरे ब्लास्ट को इजीली रोका जा सकता था अगर सिर्फ इस बात पर गौर किया जाता था कि यूसुफ बार बार अपनी सीट बदल रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है. अगर फ्लाइट अटेंडेंट ने ये इन्फॉर्म किया होता था क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट ने लेटर ये बोला भी कि उसे शक गया था कि यूसुफ ऐसा क्यों कर रहा था बट दे जस्ट चोज टू इग्नोर इट. एक और एक चीज जो फ्लाइट अटेंडेंट मारिया डेलाक्रूज ने नोटिस की थी वो ये था कि यूसुफ टोक्यो के बदले सीबू में उतरा और अगर उस वक्त भी फ्लाइट अटेंडेंट ने ये सवाल उठाए होते तो शायद ये हादसा होने से पहले ही रुक जाता.
सो फ्रेंड्स, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट फिलिपीन एयरलाइन फ्लाइट 434। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहां पर देखने मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 यूजर्स को सिर्फ 199 रुपीस पर ईयर का सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन अनदर वन। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।